हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉम किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बंगाली स्टाइल कैटफिश करी की रेसिपी। बंगाली में कैटफिश को हम लोग मागुर माछ बोलते हैं। डिफरेंट वेरिएशंस में बनाती हूँ, लेकिन आज मैं समर स्पेशल हेल्दी कैटफिश करी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी विद सम वेजिटेबल्स, लेस ऑयल एंड लेस स्पाइसेस। इसे हम लोग मागुर माछ झोल बोलते हैं, क्योंकि इसका ग्रेवी ठीक नहीं होता है, एकदम पतला होता है इसीलिए। तो चले शुरू करें। इधर मैंने 8 पीसेस कैटफिश लिया है और अच्छा से वॉश कर लिया। ये बोनलेस कैटफिश नहीं है, आप चाहो तो बोनलेस ले सकते हो। और कैटफिश में लो कैलोरीज है, हाई प्रोटीन है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है, और कैटफिश में विटामिन B12 भी है, और भी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो अभी हमें नमक और हल्दी से मैरिनेट करना है, सॉल्ट एंड टर्मरिक से। मैरिनेट करके हमें 10 मिनट रखना है। मीन टाइम हम बाकी प्रिपरेशन भी कर देंगे। चलिए इसे रख देते हैं। और हमें चाहिए ग्रीन पपाया, ग्रीन बनाना, एक मीडियम साइज आलू और पोटैटो। ऑल द वेजिटेबल्स लॉन्ग स्लाइस पे मैंने कट कर लिया है। कट करने का बाद मैंने वेट लिया है। ग्रीन पपाया, ग्रीन बनाना 130 ग्राम्स करके है, ड्रमस्टिक लिया है ये भी 130 ग्राम्स है, और आलू यानी कि पोटैटो 1 मीडियम साइज का, इसका भी मैंने काट करके वेट लिया है 150 ग्राम्स है। ड्रमस्टिक डायबिटिक के लिए बहुत ही अच्छा है, और ग्रीन पपाया लीवर के लिए अच्छा है। ग्रीन बनाना में आयरन है, आप चाहो तो और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। एक मीडियम साइज का टमाटर रफली चॉप कर लिया है, टमाटर ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, विदाउट टमाटर भी आप बना सकते हो फिश करी। और इधर मैंने 1 इंच का अदरक यानी कि जिंजर लिया, फाइनली चॉप कर लिया, ग्राइंड करने में इजी होता है इसीलिए। और इधर मैं 1/2 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा लिया है, जो लुकवार्म वाटर में 10 मिनट मैंने सोक करके रख दिया। इससे ग्राइंड होने में टाइम नहीं लगता है और स्मूथ पेस्ट बन जाता है, इसीलिए आप चाहो तो जीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर ले सकते हो। लेकिन ऐसा जीरा गर्म पानी में सोख करके अगर आप मसाला बनाओगे पेस्ट करके, इससे फिश करी का टेस्ट और भी अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स और जिंजर अदरक मिक्सी में ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना लूँगी, फिर हम टमाटो प्यूरी बनाएंगे। इसमें मैं और पानी नहीं ऐड कर रही हूँ, इसे ग्राइंड कर लेते हैं। जीरा अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया, इसमें मिक्सिंग बोल में डाल देते हैं, और जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके वॉश करके पानी डाल देते हैं। इसमें मैं पानी डाल देती हूँ मिक्सिंग जार धोकर। अभी टमाटर भी ग्राइंड करके इसका प्यूरी बना लेते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करके। टमाटर में जूस होता है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। इसका भी मैं प्यूरी बना लेती हूँ, टमाटर प्यूरी भी बना लिया है। अभी मिक्सिंग जार धोके बाद में हम पानी डालेंगे ग्रेवी में। आज का जो फिश करी मैं बना रही हूँ, इसमें गार्लिक, ओनियन, कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। लेस ऑयल, लेस स्पाइसेस, हेल्दी वेजिटेबल्स का साथ फिश करी में आज बना रही हूँ। तो चले बनाते। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम मीडियम पे रखा है। मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। तेल गरम हो गया, देखिए स्मोक आ रहा है। अभी हम एक एक करके डालेंगे। बोथ साइड हम शैलो फ्राई करेंगे, एक साइड हो जाए तो दूसरा साइड हम टर्न कर देंगे। अभी दूसरा साइड भी टर्न करना है केयरफुली। दोनों साइड फ्राई हो गया,
सेम ऑयल में यूज कर रही, इसमें और नहीं डाल रही मैं ऑयल। अभी एक एक करके जितना वेजिटेबल्स हमने लिया है सब फ्राई कर लेंगे। फिर थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून, 1/4, और 1/4, 1/4 टीस्पून हल्दी। हम बाद में भी नमक हल्दी डालेंगे, इसलिए अभी थोड़ा सा लिया है। और अभी वेजिटेबल्स फ्राई कर देंगे, फ्लेम फिर से मीडियम हाई पे कर देते हैं। अभी वेजिटेबल्स भी हमें शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 3-4 मिनट ही फ्राई करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। जब तक वेजिटेबल्स फ्राई हो रहे हैं, कटोरी में पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। इधर मैंने 3 कप पानी लिया है, पानी गर्म होने देते हैं। वेजिटेबल्स फ्राई हो गया, अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। अगर आपका रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका रेसिपी में हरा धनिया, गरम मसाला और घी हम लोग यूज नहीं करते। ये देखिए हमने जितना तेल डाला था उतना ही है फिश और वेजिटेबल्स फ्राई करने का बाद। अभी मैं और तेल ऐड नहीं कर रही हूँ। 1 ग्लास सूखी मिर्च, ड्राई रेड चिली मैं इसमें डाल रही हूँ, और 1/2 टीस्पून जीरा क्यूमिन सीड्स। थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अभी ये जो जीरा और अदरक हमने पेस्ट बना के रखा, ये डाल देते हैं। फ्लेम मीडियम हाई पे रखा है। अभी अदरक और जीरा सॉटे करेंगे 4 मिनट, जब तक रॉ फ्लेवर नहीं चला जाता है, कच्चा फ्लेवर। अभी ये जो टमाटर पेस्ट है ये भी हम डाल देते हैं। इधर मैंने 2 हरी मिर्च, ग्रीन चिली लिया है, 1 ग्रीन और 1 रेड, मैंने बीच में से काट कर लिया है, देखिए स्लिट कर लिया है, ये भी डाल देते हैं। हम लोग तीखा कम खाते हैं, स्पाइसी, इसलिए कम डाला है। हल्दी हमने फिश मैरिनेट करते वक्त भी यूज़ किया था और वेजिटेबल्स फ्राई करते वक्त भी, इसलिए मैं और 1/2 टीस्पून हल्दी इसमें ऐड कर। अभी और 3-4 मिनट हमें मसाला सॉटे करना है। फ्लेम मैंने अभी भी मीडियम हाई पे रखा है। फिर से स्प्लैटर स्क्रीन डाल देते हैं, इससे क्या होता है तेल ऊपर नहीं आता है और गैस स्टोव भी खराब नहीं होता है। क्योंकि हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, तेल भी सेपरेट होने लगा है। तेल बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला, देखिए एक ही बार मैंने तेल डाला था, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स है ना इसमें और फिश फ्राई के उसमें भी ऑयल है। जब पानी का साथ बॉयल होगा, ग्रेवी बनेगा, तभी इसमें से तेल रिलीज होगा। ये देखिए इतना तेल प्लेट में है। नमक, सॉल्ट 1 टीस्पून, आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग भी सॉल्ट ऐड करें। पपाया और बनाना है ना, मोटा नहीं काटने का है, थोड़ा थिक नहीं रखना है, थोड़ा सा पतला लॉन्ग स्लाइस में काट करना है, क्योंकि दोनों ही पकने में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए मैंने गर्म पानी रखा है। गर्म पानी डालने से ना जल्दी कुक हो जाएगा। और ये जो टमाटर प्यूरी हमने बनाया मिक्सिंग जार में, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, गर्म पानी जो हमने रखा है ना अभी, तो वो भी हम इसमें डालेंगे। अभी पानी डाल देते हैं। आज का रेसिपी में पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि ये जो ग्रेवी होता है ना पतला होता है, थिक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। अभी लीड रख देते हैं, बॉयल होने देते हैं, फिर हम फिश पीसेस इसमें ऐड करेंगे। फिश पीसेस भी हम डाल देंगे। अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, आराम से पकने देना है। आप जो भी डिश बनाओगे, चाहे वो वेज डिश हो नॉन वेज हो, फ्लेम हाई पे ना रखें, मीडियम हाई पे या तो मीडियम पे रखें, आराम से कुक होने दें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। जितना टाइम तक पकेगा टेस्ट उतना ही अच्छा है। मैंने अभी
फ्लेम मीडियम हाई पे रखा है, लेकिन हमें बीच बीच में चेक करना है और स्टार भी करना है। ग्रेवी थोड़ा कम हो जाएगा ना, तभी हम फ्लेम मीडियम पे कर देंगे। अभी 12 to 15 मिनट्स लगेगा कुक होने में, क्योंकि इसमें पपाया और बनाना है इसीलिए। कैटफिश खड़ी हो गया है, टोटल मुझे 15 मिनट्स लगा है। बीच बीच में मैंने 3 बार चलाया है और फ्लेम मीडियम पे कर दिया। जब भी ग्रेवी हाफ रिड्यूस हो गया तभी अभी गैस बंद कर देते और डिश आउट करते। कैटफिश करी और मागुर माछे झोल गर्मा गर्म राइस का साथ आप सर्व करें। बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी है, इसे आप घर में जरूर बनाए और मुझे कमेंट करके बताएं आज का रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। साथ में एक लेमन।